हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेरिफाइलिन टैबलेट के बारे में। इसके नुकसान जानेंगे, फायदे जानेंगे और इसे कितने दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, डेरिफाइलिन टैबलेट आती है जर्मन रेमडिस कंपनी की और इसमें सॉल्ट होता है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन टैबलेट। इसका MRP है 15 रुपये 50 पैसे 30 गोलियों का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेज की, किस किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग अस्थमा, दमा और सांस फूलना, घरघराहट होना, फेफड़ों में रेशा जम जाना, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर सर्दी खांसी में सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम और नवजात शिशुओं में सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में जकड़न होना और काम करते वक्त सांस फूल जाना, तो इन सभी प्रॉब्लम के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका मेन काम है सांस से संबंधी रोगों को ठीक करना। दोस्तों, इस गोली को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 3 टाइम या फिर 2 टाइम भी दे सकते हैं डॉक्टर। और जिन्हें दमा अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको लॉन्ग टर्म ये कुछ ज़्यादा ही दिनों के लिए इसको खाना पड़ता है। जितने दिन आपको डॉक्टर बोले उतने दिन खाना पड़ेगा। और अगर मामूली कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर सर्दी खांसी के साथ इसे देते हैं डॉक्टर, तो 3 दिन या फिर हफ्ता या 5 दिन 10 दिन हद से हद इतने दिन तक ही देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस टैबलेट का आप लोगों ने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों इससे क्या हो सकता है कि बेचैनी हो सकती है, पेट दर्द, नींद ना आना, घबराहट होना, उल्टी होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट नुकसान है। तो आप इसे अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।